हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, पहले समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व, इट इज़ द शेड्यूल ऑफ वेरियस बंडल्स ऑफ गुड्स दैट गिव अ इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है इंडिफरेंस शेड्यूल। तो इंडिफरेंस शेड्यूल जो होता है वो हमको दिखाता है कि अलग अलग लेवल पे जो हम गुड्स ख़रीद रहे हैं, अलग अलग बंडल्स जो ख़रीद रहे हैं, उस पर हमें सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो हमारा इक्वल है। सबसे पहले आपको इसमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व में जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, मतलब गिवन लेवल्स जो होते हैं, वो उस पर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हमारा इक्वल होता है। मतलब गुड्स केवल एक जैसे ही, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। मतलब दो तरीके गुड्स हैं तो दो तरीके गुड्स कुछ हम बढ़ाएंगे कुछ घटाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन यहाँ पर क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। हर एक लेवल पे हम इक्वली सेटिस्फाइड होते हैं। तो इंडिफरेंस का शेड्यूल हमें यही दिखाता है। तो देखिए, द कॉमन फील द कंज्यूमर फील्स नो डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज एज लॉन्ग एज सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन द सेम। तो जो कंज्यूमर जो गुड्स ख़रीदता है इंडिफरेंस कर्व में, जो भी गुड्स हम ख़रीदते हैं उसमें कंज्यूमर ये मान के चलता है कि वो जो भी गुड्स ख़रीद रहा है उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इक्वल है, वो चाहे पहला कॉम्बिनेशन हो, दूसरा कॉम्बिनेशन हो, तीसरा कॉम्बिनेशन हो। उसको हमने यहाँ पे समझाया है शेड्यूल के माध्यम से। अब देखिए, बंडल ए, बंडल ए में क्या है, एक गुड्स वन जो है वो एक पीस है और गुड्स टू जो है वो 12 पीस है। तो देखिए, और फिर उसके बाद कंज्यूमर को गुड्स ए पसंद आ गया तो उसने गुड्स ए बढ़ा दिया और गुड्स टू कम कर दिया। फिर यहाँ पर और पसंद आया तो 3 कर दिया, फिर यहाँ पे 5 कर दिया, फिर यहाँ पे 4 कर दिया, फिर यहाँ पे 3 कर दिया। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये दिखा रहा है कि जो हर एक लेवल पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब चाहे इस लेवल पे ये वाला कॉम्बिनेशन ख़रीदें, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन ख़रीदें, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन ख़रीदें, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, सारे कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन जो होता है इंडिफरेंस कर्व में वो इक्वल होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया कि आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि ऐसा कौन सा कर्व है जिसमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलता है। तो आपको बताना होगा इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन पे हम गुड्स, कॉम्बिनेशन के गुड्स ख़रीदते हैं, मतलब गुड्स वन गुड्स टू है, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा करेंगे किसी में कुछ कम करेंगे। जैसे पहले में देखिए 2 और 8 है, फिर 3 और 5 है, फिर 4 और 5, 4 और 3 है, फिर 5 और 2 है। तो हर एक कॉम्बिनेशन पे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यही है कि सेटिस्फैक्शन इक्वल है। तो इसका कर्व कैसे बनता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इधर हमारा गुड्स वन लिखा हुआ है और इधर हमारा गुड्स टू है, ठीक है। अब देखिए, पहला और ये हमारा पहला जा रहा है और ये हमारा 12 जा रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व का बनाना आपको आना चाहिए शेड्यूल के साथ, जब भी एग्ज़ाम में बनाइए शेड्यूल के साथ ही बनाइए। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन 2 ये है और 8 ये है, तो 2 ये है और 8 ये है, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद है 3 है, फिर 5 है, तो यहाँ पे 3 हो गया और 5 आपका कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर 4 है और फिर 3 है, तो 4 और 3 आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। उसके बाद क्या है, 5 है और 2 है, तो 5 है और 2 है, तो ये आपको यहाँ मिलेगा। अब इसको आप सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व जो हमारा होता है वो थोड़ा सा इस तरीके का बनता है, जे टाइप का आप देखेंगे बनता है, इसको हम आईसी कर्व भी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है इंडिफरेंस कर्व में, ए ये हमारा ए कॉम्बिनेशन का है, ये बी कॉम्बिनेशन का है, ये सी कॉम्बिनेशन का है, ये डी कॉम्बिनेशन का है, ये ई कॉम्बिनेशन का पॉइंट है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ए बी सी डी ऑफ गुड्स वन एंड गुड्स टू
शो द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है जब भी एग्ज़ाम में आप ऐसा कुछ कर्व बना रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूर लिखेंगे कि जो भी लेवल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सारे लेवल्स पे सेम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इंडिफरेंस कर्व के बारे में, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। एन इंडिफरेंस कर्व इज़ द वन विच डिफरेंट पॉइंट ऑन इट शोज द बंडल ऑफ गुड्स विच गिव द इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो हमने पहले शेड्यूल पढ़ा, हमने फिर इसको बनाना सीखा, अब ये इसका डेफिनेशन आ गया। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? तो सेम जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इंडिफरेंस कर्व पे, जो कि बंडल ऑफ गुड्स को दिखाता है। हर एक पॉइंट अलग अलग बंडल ऑफ गुड्स को दिखाता है, और ख़ासियत क्या है कि जो भी बंडल ऑफ गुड्स होता है उस पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होता है। तो यही हमको यहाँ पर फोकस करना है, सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होता है। तो आप सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होता है ये याद कर लीजिए, प्लस आप इसके शेड्यूल को याद कर लीजिए, और उसी से आपका डायग्राम बन जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इतना आप लिख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व के बाद। इसके बाद आता है हमारा मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसी का ही पार्ट होता है इंडिफरेंस कर्व का ही। क्या होता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुड्स वन है, यहाँ पे गुड्स टू है, ठीक है। अब गुड्स वन गुड्स टू को किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करा जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे गुड्स वन है, गुड्स टू है, ठीक है। अब यहाँ बंडल वन में देखिए, एक पीस गुड्स वन यूज़ कर रहा है और 12 पीस गुड्स टू यूज़ कर रहा है। फिर बंडल बी में देखिए, बंडल बी में तो वही चीज़ ने बढ़ा दिया, गुड्स टू देखिए बढ़ गया है, गुड्स वन जो हमारा है ये वैसे का वैसे ही है। तो इंडिफरेंस कर्व का सेम आप देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है, बस खाली एक नया बन गया है MRS। तो MRS का फॉर्मूला क्या होता है, गुड लॉस्ट अपॉन गुड गेन। कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है। पहले ये 12 था, अब यहाँ पे 8 हो गया, तो लॉस कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। तो हमने यहाँ 4 लिख देना है, पहले 4 मतलब लॉस जो है वो पहले लिखना होता है। उसके बाद जो आपका इधर गेन हो रहा है, गेन देखिए 1-1 का हो रहा है ना, सब में देखिए 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो जो गेन हो रहा है वो 1-1 का हो रहा है, तो यहाँ पे लाइन से 1-1 लिख दिया इसने। अब यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, आप देखोगे पहले 4 का लॉस हुआ, 12 से हो गया 8, ठीक है। फिर 8 से 5 हो गया तो 3 का लॉस हुआ, यहाँ पे 3 दिखा दिया। फिर 5 से 3 हो गया तो लॉस हो गया 2 का, तो 2 दिखा दिया। यहाँ पे जो लॉस हुआ यहाँ पर 1 हो गया, तो ये दिखा दिया। तो MRS का फॉर्मूला आप याद रखिए कि गुड लॉस अपॉन गुड गेन होता है, ठीक है। इसको डेल्टा X2 अपॉन डेल्टा 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज दिखाता है कितना चेंज होता है। तो उससे ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन आपको, सॉरी फॉर्मूला ये है, गुड लॉस अपॉन गुड गेन। तो कैसे याद होगा, ये लॉस जो होता है ऊपर होता है, गेन नीचे होता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये आपका MRS कंप्लीट हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। द रेशियो X2 अपॉन डेल्टा X1 शोज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या दिखा रहा है, जो आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं उसमें जो एब्सोल्यूट पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं MRS होता है। MRS मतलब जो हम छोड़ रहे हैं इसी से वो आप देखोगे डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो आप ये भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो कि MRS की वजह से ही जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वही मैंने आपको बताया ना, मान लीजिए कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए कि MRS कर्व बना के दिखाइए, आपको करना कुछ नहीं है, सेम आपको ये शेड्यूल बनाना है, MRS का ये कॉलम बनाना है, और उसके बाद जो अभी कर्व हमने बनाया था पीछे वैसे ही आपको एक कर्व बना देना है, और कर्व बना के आपको बता देना है कि ये हमारा MRS कर्व है। क्योंकि MRS कर्व इज इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि जो MRS कर्व होता है वही सेम इंडिफरेंस कर्व होता है। MRS कर्व जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो MRS की वजह से ही बनता है ना, क्यों? क्योंकि कुछ गुड हम लॉस करते हैं और कुछ गुड्स हम गेन करते हैं, तो इस गेन और लॉस की वजह से ही वो कर्व तैयार होता है। कौन सा कर्व? इंडिफरेंस कर्व।
और उसी को हम लोग MRS कर्व भी कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कर्व नहीं बनाया, आप नोट्स बनाते समय यहाँ पे कर्व बना सकते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखोगे तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और साथ ही साथ एग्ज़ाम में लॉन्ग तो आपको लिखने को आता ही है। अब आते हैं नेक्स्ट, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS ऑफ गुड्स वन ऑफ गुड्स टू इन द नंबर यूनिट गुड्स टू दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स वन सो दैट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब गुड्स वन के जगह, जब गुड्स टू के जगह पे कंज्यूमर गुड्स वन खरीदना शुरू करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो आप ये भी मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन में समझा सकते हैं कि MRS हमको बताता है कि जब यहाँ पे कंज्यूमर अपने गुड्स को कम करता है खरीदना, ये गुड्स खरीदता है तो ऐसा क्यों करता है। MRS ये कहता है कि ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी समझा सकते हैं MRS बनने का मेन कारण ये भी होता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए कंज्यूमर क्या करता है कि गुड्स को यहाँ पे एक्सचेंज करता है, मतलब ये गुड्स, यही गुड्स ना खरीद के ये गुड्स भी खरीदना शुरू करता है और इसको कम करता चला जाता है, धीरे धीरे करके दो हो जाता है, ये पाँच हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको देखते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें समझ में तो आ ही गया, लेकिन यहाँ पे एक देखिए नया चीज़ आ गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग वर्ड यूज़ कर रहा है, डिमिनिशिंग वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि हम एक गुड्स के कंजप्शन को कम कर रहे हैं और उसके जगह पे दूसरा गुड कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डिमिनिशिंग वर्ड यूज़ करता है। डिमिनिशिंग का मतलब घटता रहे, घटता है, मतलब आप इंडिफरेंस कर्व जब भी देखोगे ऐसे स्लोप बनता है, ऐसे स्लोप बनने का मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे ज़्यादा है फिर कम है फिर कम है फिर कम है फिर कम है और कम है। यहाँ पे देखिए इट स्टेट्स दैट गुड्स वन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर गुड्स टू, यहाँ पे क्या बता रहा है गुड्स वन है उसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ किया जाता है गुड्स टू में। उसके बाद द मार्जिनल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स वन फॉर गुड्स टू गोज़ ऑन डिमिनिशिंग, यहाँ पे जो एक गुड्स होता है जिसको कि हम लोग गुड्स टू ले रहे हैं उसका कंजप्शन जो है वो डिमिनिश होता है। देखिए ये हमारा कम होता चला जा रहा है, पहले 12 था फिर 8 था फिर 5 था, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हम एक जगह पे दूसरा गुड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ बता रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है, यहाँ पे हम लोग एक जगह पे हर एक सिचुएशन पे दूसरे गुड्स को एज अ सब्स्टिट्यूट हम यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। प्लस यहाँ पे वर्ड डिमिनिशिंग वर्ड भी आप यूज़ करेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें खाली आपको ये समझाना है, डिमिनिशिंग वर्ड जब वर्ड जुड़ जाएगा तो इसमें आपको एक चीज़ इसमें ऐड कर लेनी है कि यहाँ पे हम जो गुड रिप्लेस करते हैं और जो गुड रिप्लेस करके नया गुड्स खरीदते हैं तो जो रिप्लेस्ड गुड होता है, मतलब जो गुड्स हम रिप्लेस्ड कर रहे हैं वो गुड्स का जो कंजप्शन है वो कम होता चला जाता है, इसीलिए डिमिनिशिंग वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सेम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ अलग नहीं है, बस डिमिनिशिंग में आपको बताना है कि जो गुड्स आप कंज्यूम करना छोड़ते हो उसका कंजप्शन धीरे 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 कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप जब भी एग्ज़ाम में मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछता है तो यहाँ पे भी आप इसको बना सकते हो, और बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि यहाँ पे दिखेगा कि हाँ देखिए कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्योंकि ये गुड्स देखिए हट रहा है और ये गुड्स बढ़ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर माना जाते हैं। तो ये हो गया हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है, प्लस लॉन्ग में भी पूछ लेता है, ठीक है, और प्लस टिक द फॉलोइंग में भी आ जाता है, ठीक है। कई बार तो आप देखोगे कि यूपी टेट के पेपर में, या फिर कई बार आप देखोगे PGT के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, वो आपको फिगर देख के ही समझ में आ गया है।
जो हमने फिगर यहाँ बनाया था आपने देखा है ना, ये लेफ्ट टू राइट जाता है, ये देखिए ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यही यहाँ पे ये समझा रहा है कि जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट जाता है। दूसरा क्या है, एन इनडिफरेंस कर्व इज़ अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है तो ये हमारा, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, ये कॉन्वेक्स होता है। अभी यही उल्टा अगर ऐसे बना देते तो वो कॉनकेव हो जाता, तो आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसके बाद क्या है, एवरी इनडिफरेंस कर्व इज़ द राइट रिप्रेजेंट द हायर लेवल सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जब आप इनडिफरेंस कर्व बनाते हो, तो जैसे मैंने ये एक इनडिफरेंस कर्व बनाया, ठीक है, और फिर एक दूसरा इनडिफरेंस कर्व बनाया, ठीक है, फिर एक तीसरा इनडिफरेंस कर्व बनाया, तो ये हमारा IC1 हो गया, ये हमारा IC2 हो गया, ये हमारा IC3 हो गया। तो IC1 और IC3 में जब कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को मिलता है वो IC3 में मिलता है। ये आपको इसमें याद रखना है कि जितना भी इनडिफरेंस कर्व हायर होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ये जितना ऊंचा जाएगा उतना इनडिफरेंस कर्व का सेटिस्फैक्शन हाई माना जाएगा। तो ये भी आपको बढ़िया से याद रखना है। अगर आप ये पॉइंट समझा रहे हैं तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से समझा सकते हैं डायग्राम बना के भी, कि IC यहाँ पे IC1 और IC3 का सेटिस्फैक्शन देखा जाए तो IC3 का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी आप इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, तो आप ये ऐसे कॉन्वेक्स मिरर बना के इसमें दिखा सकते हो, तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। उसके बाद क्या है, टू इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इनका क्या कहना है कि जो हमारा इनडिफरेंस कर्व होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब ये और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए हमने उसको काट दिया। इनडिफरेंस कर्व कभी भी आप नहीं देखोगे कि आपस में इंटरसेक्ट करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं इनडिफरेंस कर्व के, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसको बढ़िया से समझिए, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अ सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स द फॉलोइंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट इज़ कॉल्ड इनडिफरेंस मैप। कभी कभी एग्ज़ाम में इनडिफरेंस मैप पूछ लेता है क्या होता है। तो जो ये हमारे सेट होते हैं, मतलब आपने ये बनाया IC1, IC2, IC3, तो ये जो होता है जब आप सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व दिखाते हैं तो उसको हम मतलब इनडिफरेंस मैप भी कहते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमारा इनडिफरेंस कर्व का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे नए टॉपिक्स लेके आएंगे, इसको बढ़िया से पढ़िए और एक दो बार वीडियोज़ देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। और नोट्स तो आपके पास अवेलेबल है ही, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्लस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिखेंगे तो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।